एक व्यक्ति का सपना होता है कि वो हिमालय की चोटी पर चढ़ेगा। अपने सपने को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वो हिमालय की चोटी पर चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसके जो पैर हैं वो जवाब देने लगते हैं। बार बार वो उस चोटी को देखता है, उसको वो चोटी बहुत दूर लगने लगती है। यार हिमालय तो अभी बहुत दूर है, मैं तो अभी से थक गया। फिर अचानक उसके पास से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है। वो उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि मुझे उस चोटी तक जाना है, लेकिन मैं तो अभी से थक गया। तो बूढ़ा व्यक्ति उससे कहता है कि तुम लगातार उस चोटी को देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि वो कितनी दूर है, और तुम ये नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे कदम यदि छोटी छोटी दूरी तय करेंगे तो क्या होगा, तुम उस चोटी तक पहुंच जाओगे। मतलब तुम उस चोटी को मत देखो, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। ठीक, व्यक्ति ने वैसा ही किया। उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान करके उसने थोड़ी थोड़ी दूर चलना शुरू किया, विश्राम किया, चलना शुरू किया, विश्राम किया, और एक समय ऐसा है कि वो चोटी पर पहुंच गया। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य बड़ा नहीं होता, लक्ष्य हम बड़ा बना लेते हैं या हम कठिन बना लेते हैं। यदि कोई लक्ष्य बड़ा है उसे छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए और छोटी छोटी तैयारी करते जाइए। एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वह बड़ा लक्ष्य आपके पास होगा। और एक बात याद रखिएगा, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।